दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मध्य प्रदेश में इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक के 6350 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे चुकी है। वो तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बता ही चुका हूँ। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप इस वीडियो में बात करेंगे कि किस पद के लिए कितनी पोस्ट है, जिसमें दोस्तों आपके SI, MP, पुलिस सभी के लिए रिक्तियां खाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टडी आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैं एक एजुकेटर हूं, वहां पर आपको दोस्तों सर्च करना है प्रमोद राणा। वहां पर दोस्तों आप ये प्रोफाइल देख सकते हैं और आपके लिए बहुत से कोर्सेस डाल चुके हैं। और भी कोर्सेस में डाल रहा हूँ, जिसमें हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, MP, GK भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हिंदी में देख सकते हैं आप, डेमो के माध्यम से इस तरह पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एक एक पॉइंट को। और दोस्तों आप ये हिस्ट्री में देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रिकों के माध्यम से सब कुछ याद कराया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं ले चलता हूं डायरेक्ट आपको खबर पर। पहले तो आप देख लीजिए, सेलेक्ट सिटी, आपको भोपाल सिटी सेलेक्ट डेट, आज की डेट सेलेक्ट कर लेनी। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा मध्य प्रदेश में इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक के 6350 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे चुके हैं। तो अब मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ, कि आप जूम करके देख चुके हैं, जिसमें देखिए दोस्तों किस पद पर कितनी भर्ती है। इंस्पेक्टर की दोस्तों बात करें तो संख्या 78 है। सब इंस्पेक्टर SI की दोस्तों 155 संख्या खाली है, बहुत ही कम है। और सूबेदार सब इंस्पेक्टर की बात करें तो जिसमें 72 है। ASI की दोस्तों बात करें तो जिसमें 445 पद खाली है टोटल संख्या। हेड कॉन्स्टेबल की बात करें तो दोस्तों 1696 पद खाली है। कॉन्स्टेबल की दोस्तों बात करें तो 3007 पद खाली है। ATS के लिए बात करें तो 45 पद खाली हैं। CM सुरक्षा में 32 पद, स्पेशल ब्रांच के लिए 52 पद, यातायात पुलिस बल के लिए 620 पद, बम डिस्पोजल के लिए 144 पद और भोरी पुलिस अकादमी के लिए 48 पद खाली हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके लिए सभी विभाग में अलग अलग बता दिया गया है, जिसमें कांस्टेबल, SI, ASI, हेड कांस्टेबल और जो यातायात पुलिस बल है, इनके लिए बहुत ही संख्या में पोस्ट खाली है। और ये आप खबर पढ़ सकते हैं, पुलिस विभाग में 6350 पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। शिवराज कैबिनेट ने सोमवार को वित्त की आपत्ति के बाद भी इसे हरी झंडी दे दी है। दोस्तों जब कैबिनेट मिशन हो रही थी उस टाइम भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कि वित्त विभाग कह रहा था कि इसको मतलब अभी डिले कर दीजिए, परंतु ये कहा गया कि भर्ती जो होगी वो 6-7 महीने बाद पूरी प्रोसेसिंग में समय लगेगा, और इस अनुसार कैबिनेट में ये मंजूरी मिल गई। दरअसल इन भर्तियों पर वित्त विभाग की ओर से आपत्ति लगाते हुए कहा गया था कि वर्तमान समय में सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इन पदों पर बढ़ने के लिए 376 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। हाल ही में प्रमुख सचिव, ये दोस्तों समझ में नहीं आ रहा 376 करोड़ का भार क्या आएगा, मतलब आप एक की फीस ही 500-500 रुपए से प्लस ले रहे हैं और ऊपर से भार भी देख रहे हैं। हाल ही में प्रमुख सचिव वित्त बनाए गए अनुराग जैन ने यह आपत्ति लगाते हुए कहा था कि इस प्रस्ताव को कुछ समय के लिए टालना चाहिए। अनुराग जैन जी जो कि अभी हाल ही में बने सचिव वित्त, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। हालांकि प्रमुख सचिव गृह मलय श्रीवास्तव ने कहा कि इन भर्तियों पर अभी पैसा खर्च नहीं होने वाला, यह अगले साल तक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की बात कही। इसके बाद कैबिनेट ने 6350 पदों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और नए मेहमानों से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।